देखो फ्रेंड्स, मैं आज आपको अपना घर दिखा रही हूँ और आगे आगे देखते रहिए आंधी में कितना नुकसान हुआ है। रात को आंधी आई थी, उसमें बहुत ही नुकसान हुआ है। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, आपको देखने के लिए मिलेगा क्या क्या नुकसान हुआ है फ्रेंड्स फाइनली। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, लास्ट तक बने रहिए, नुकसान कितना हुआ है आपको पता चल जाएगा। तो फ्रेंड्स बने रहिए मेरे साथ इस ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स आगे आगे देख ना, आगे व्लॉग में दिखा रखा है बहुत ही हुआ था नुकसान। ये छोटी सी क्लिप आपके साथ शेयर की है मैंने, सिर्फ जो आंधी उड़ी थी उसकी क्लिप्स है। आगे देखते रहना, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था हमारा आंधी में। पार्लर का बोर्ड वगैरह भी टूट चुका है। आप बने रहिए वीडियो में मेरे साथ। बहुत आज कल रात को हमारे राजगढ़ में बहुत तेज की आंधी आई थी, मार्केट में भी बहुत नुकसान हुआ था। आगे आगे देखते रहिए व्लॉग में, आपको सब पता चल जाएगा। और आज मैं मेरा घर का टूर करवाऊंगी साफ़ सफाई करने के बाद, तो आपको फाइनली आज मेरा व्लॉग आ चुका है घर का होम टूर का। तो फ्रेंड्स मैं हमेशा आपको बोलती हूँ पर दिखाती नहीं हूँ मेरा घर, और आज फाइनली दिखा रही हूँ। तो बने रहिए इस व्लॉग में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, एक बार फिर से बोल रही हूँ, ढेर सारा प्यार देना, चैनल को सपोर्ट करना। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं अब, लेट्स गो। हाय फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून, अस्सलाम वालेकुम, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। वेलकम टू माय ब्लॉग, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स आज मैं आपको दिखा रही हूँ फाइनली मेरा होम टूर। हमेशा बोलती दिखाती नहीं, आज दिखा रही हूँ। तो बाहर का मैंने बैक कैमरा करके आपको लुक दिखा दिया था, और ये मेन डोर है, बैक कैमरा करके आपको दिखाती हूँ। देखो फ्रेंड्स, रात को कितनी आंधी आई थी, जबकि मैंने रात को झाड़ू निकाल ली थी, और अब वापस सुबह झाड़ू निकाल के आंगन धोएंगे, उसके बाद मैं आपको मेरा घर का टूर करवाऊंगी, मतलब होम टूर करवाऊंगी और पूरा घर दिखाऊंगी। आज मैं मेरा घर पूरा दिखाऊंगी आपको, हमेशा बोलती दिखाती दिखाऊंगी दिखाऊंगी, आज फाइनली वो दिन आ ही गया है। मैं आपको मेरा होम टूर दिखाऊंगी, मतलब घर मेरा घर कैसा है कैसा नहीं है सब कुछ दिखाऊंगी। तो फ्रेंड्स पहले ये सफाई कर लेते हैं हम यहाँ पर। देखो फ्रेंड्स, ये मेरा पार्लर का लुक है, और ये हमारी बाइक है, ये मेरा घर का लुक है। ये मेरा ऊपर देखो पूरा घर का लुक है, यहाँ से एंट्री है, खोल रहे हैं। ये देखो ये मेन डोर है, यहाँ से एंट्री है, और ये देखो ये जो एंट्री का मेन पोर्शन है, ये लैट्रिन, ये बाथरूम है, और इस बाथरूम में मेरी कपड़े धोने की मशीन रखी हुई है। फ्रेंड्स रात को बहुत आंधी आई थी, तो ये एक्स्ट्रा बाथरूम है, तब मैंने यहाँ कपड़े धोने की मशीन रख दी है। और ये देखो एंट्री है, ये दो सीढ़ी है, और यहाँ से मेरा पार्लर है, तो अपने पार्लर पहले भी देख रखा है, पार्लर से भी मेन गेट है बाहर का, देखते हूँ पर्दा हटा के। देखो ये मेन गेट है, आपको दिख ही गया होगा बाहर का पोर्शन देखकर, आज रात को बहुत आंधी आई थी। ये मेरा पार्लर है, आपने पहले भी देख चुके हो। अभी वापस हम बाहर जा रहे हैं, यहाँ मैं कचरा वगैरह रखती हूँ, यहाँ पानी की मोटर है, और ये चौक है, मतलब होल है, होल में हमने ये देखो कॉस्मेटिक का फर्नीचर लगा रखा है, अच्छे से दिख रहा होगा आपको, दिख रहा होगा। ये हॉल में है, और ये देखो दो यहाँ से बाहर का गेट हो रहा, ये एक रूम ये है जो मैंने व्लॉग कल से डाला था उसका, ये रूम है, एक रूम ये है, यहाँ भी फर्नीचर लगा रखे, वो लहंगे मशीन है कपड़े के, और ये किचन है, ये मेरा किचन है,
आपको किशन तो चारों तरफ दिख गया होगा। तो फ्रेंड्स ये कूलर है और ये सूट है, ये मेरा कॉस्मेटिक आइटम है। यहाँ मैंने काउंटर रख दिया है और जस्ट देखो सीढ़ियाँ जा रही है ऊपर, और एक ये रूम है, ये परी का बेड, ये हमारा बेड है, ये हल्की फुल्की डेकोरेशन कर रखी है। यहाँ पहले ग्रीन घास थी, हमने हटा दी थी, वापस लगाएंगे। ऊपर परी का पोस्टर है, ये टेडी परी के, देखो डेकोरेशन कैसी लग रही है कमेंट में बताना फ्रेंड्स। ये वॉलपेपर है, ये मिरर लगा रखा है, और ये मेरे पहले पार्लर में लगा रखा था बैनर दुल्हन का, वही मैंने यहाँ लगा दिया है। वहाँ ऊपर हमारी फ़ोटो, घोड़ी की फ़ोटो और घड़ी है, और ये देखो छोटा मोटा सामान रखा है, तेल कंघा वगैरह पाउडर जो हम डेली यूज़ में लेते हैं। और ये हमारा गेट के सामने ही रूम है, मेन गेट के सामने ही रूम है, हम इसी रूम में सोते हैं और जो भी आता है हमें दिखता रहता है। तो ये हॉल है, अभी फ़िलहाल लाइटें गई हुई है सुबह से इसलिए अंधेरा है। ये देखो फ्रेंड्स, और आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा ये पानी की मटकी मैं यहाँ रखती हूँ, यहाँ पर हम कपड़े वगैरह सुखाते हैं। और ये पीछे बैक साइड है, ये झाड़ू पोछे वगैरह यहाँ रख देते हैं एक्स्ट्रा सामान। ये मेरा पार्लर का वाश बेसर है, तो मैं यहाँ हम हैंड वगैरह भी यूज में ले लेते हैं। ये बाथरूम वो लैट्रिन है, और ये बैक साइड की गली का गेट है, मतलब बैक हमारा आर पार है, बैक साइड भी गली में गेट खुलता है और फ्रंट साइड भी गली में गेट खुलता है, ये देखो। तो फ्रेंड्स आपको मेरा घर कैसा लगा कमेंट में बताना। और ये परी घूम रही है इधर से उधर, ये फुल गे, ये हमारा रूम, ये किचन, एक रूम ये रहा और ये रहा, और ये सीढ़ियाँ जा रही है ऊपर की साइड, और फ्रंट का फ्रेंड्स ये देखो बाहर का बोर्ड वगैरह टूट चुका है। अगर आपको अच्छे से नहीं दिख रहा होगा तो मैं पास से दिखाऊंगी। और ये मैं परी को वीडियो परी शूट कर रही थी तो उसे अच्छे से नहीं पता चल रहा था कि मैं दिखाऊं, फिर मैंने फ़ोन लेकर अच्छे से वीडियो शूट की है, आंधी आ रही थी इसलिए अच्छे से शूट नहीं हुई है फ्रेंड्स वीडियो। और ये देखो मैं आपको नज़दीक से दिखाती हूँ, थोड़ी सी तिरछी वीडियो बनाई है मैंने टेढ़ा फ़ोन करके, मतलब तिरछा फ़ोन करके। तो फ्रेंड्स बीच में से आप फ्रेंड्स फ़ोन को मैंने तिरछा रखा है और जूम करके आपको दिखाया, बीच में से बोर्ड टूट चुका है, बहुत ही नुकसान हुआ है फ्रेंड्स। मैंने अभी लगवाया था बोर्ड और बीच में से टूट चुका, आगे बने रहिए वीडियो में, बहुत नुकसान हुआ है, सारा नुकसान आपके साथ शेयर कर रही हूँ मैं। ये रात की क्लिप से जो मैं बीच बीच में डालती रहूँगी नुकसान की, और होम टूर वापस स्टार्ट करते हैं। तो ये मेरा किचन है, तो फ्रेंड्स ये मेरा किचन है, तो आपको दिख रहा होगा अच्छे से। तो ये मसाले के डब्बे हैं सारे, और ये एक्स्ट्रा जो बर्तन है, गिलासे, कटोरी, प्लेटें, कप्स वगैरह सब यहाँ ऊपर रखे हुए हैं मैंने। और जो मैं डेली रूटीन में लेती हूँ, नमक, मिर्ची, हल्दी, धनिया और घी, तेल, चीनी, चाय पत्ती, वो सब यहाँ रखी हुई है। और ये मेरा गैस है, 3-3-1 वाला है गैस मेरा, 3-1 वाला। और ये बोर्ड है मिक्सी वगैरह चलाने के लिए, ये प्लेटफॉर्म बना हुआ है मेरे घर का, चकला आपको पता ही है। और फ्रेंड्स ये आटे की टंकी, गैस की टंकी, और ये नीचे जो भी एक्स्ट्रा टंकी वगैरह है हम सामान रखते हैं, और यहाँ एक्स्ट्रा बर्तन भर के रखे हैं मैंने, और जो डेली यूज के बर्तन है फ्रेंड्स वो इसमें जमा रखे हैं मैंने, ये छीके में फ्रेंड्स, ये छीके में जमा रखे हैं मैंने। और ये कप वगैरह डेली यूज में लेते हैं, अगरबत्ती है, मछलियों का खाना, कोलगेट वगैरह, मतलब जो भी एक्स्ट्रा सामान होता है मैं यहाँ रख देती हूँ, पारी के पानी की बोतल वगैरह स्कूल जाती है तो।
और ये अभी इनको गर्मी लग रही थी तो इनके कोई दोस्त वगैरह आए थे, तो मैंने नींबू पानी बनाया था, वही है यहाँ बर्तन। बाकी मैंने सुबह के बर्तन वॉश कर लिए, ये बर्तन धोने का साबुन वगैरह, और ये छोटी सी बाल्टी रखते हैं। एक्स्ट्रा जो भी कुछ बचा हुआ रहता है, चाय पत्ती वगैरह, मैं उसमें डाल देती हूँ। फिर मैं बाहर बकरियों को डाल देती हूँ, वो सिर्फ यूज में लेते हैं हम। ये फ्रीज है, और फ्रेंड्स ये किचन से बाहर जा रही हूँ मैं, बाहर किचन से बाहर जाते भी हॉल है। तो फ्रेंड्स मैं अब वापस रिटर्न घूम गई हूँ। देखो ये हॉल किचन के बाहर का, ये राउंड राउंड राउंड, ये देखो फ्रेंड्स ये है मेरा किचन, आपको एक बार वापस दिखा दिया मैंने। और अब चलते हैं हम नेक्स्ट रूम में। रूम आपने कल वाले ब्लॉग में देख ही लिया होगा, फर्नीचर वगैरह लगा दिया है, पर्दा वगैरह। यहाँ हम एक्स्ट्रा सामान रखते हैं, ये लहंगे रेंट पर देने के लिए। यहाँ अभी शीशे लगाएंगे, हमारे पास शीशे ख़त्म हो चुके हैं, जहाँ बाहर लगाए ना वैसे ही पड़े हैं, पर छोटे हैं, वो मशीन ख़राब हो गई थी तो इसलिए शायद लगाए नहीं है, और यहाँ लगा देंगे हम। ये एडजस्ट फैन है, क्योंकि इसमें फ़ैन नहीं लगा हुआ इसलिए ये मतलब सॉरी ये टेबल फ़ैन है, इसमें फ़ैन नहीं लगाया हुआ इसलिए हम ये काम में लेते हैं। वो कुरान शरीफ जा नमाज है, मैं सुबह सुबह पढ़ती हूँ, फिर समेट के वहीं रख देती हूँ। और अभी भी मुझे जुम्मे की नमाज, मतलब आज जुम्मा है तो आज नमाज जल्दी जाती, तो मेरे हस्बैंड नमाज पढ़ने गए हुए, और फिर मैं भी पढ़ूंगी, फिर खाना वगैरह खाएंगे हम। तो ये देखो आपने देख ही लिया होगा कल, ये एक रूम है। ये रूम से फिर बाहर निकलते टर्न लेते ही फिर हॉल आ जाता है हमारा, तो ये फिर से हॉल आ गया। और दो रूम है नीचे, एक किचन है। ये देखो एक रूम, दो रूम, और ये तीन रूम। ये इस रूम में हम सोते हैं, तो अंदर चलते हैं हम। ये देखो फ्रेंड्स ये परी का बेड है छोटा सा, और ये हमारा बेड है। और ये देखो ये मिरर है जो हम डेली यूज में लेते हैं मिरर को। ये पोस्टर लगा रखे हैं मैंने पहले वाले पार्लर के पोस्टर, क्योंकि इस घर में कलर नहीं हुआ है इसलिए। और ये छोटी मोटी डेकोरेशन कर रखी है फ्रेंड्स, आपको डेकोरेशन कैसी लग रही है कमेंट में ज़रूर बताना फ्रेंड्स। और यहाँ भी डेकोरेशन कर रखी थी हमने, ग्रीन घास लगा रखी थी, वो फिलहाल हटा दी है क्योंकि कल आंधी आई थी ना, तो पूरी रेत में हो गई, धोने के लिए हटाई है, वापस लगा देंगे। लगाएंगे तब मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। और ये परी के टेडी वगैरह है, और ये हमारा छोटा सा रूम है जहाँ हम सोते हैं। ये एक्स्ट्रा सामान है, हम डेली रूटीन में लेते हैं, तेल कंघा जो भी है आपको पता ही है सबको। और ये सामने सीध हमारा मेन गेट है जो आपको दिख रहा होगा, वो मेन गेट की एंट्री है। तो फ्रेंड्स मेन गेट की एंट्री है, तो सामने सीध इस रूम के, हम इसी रूम में सोते ताकि कोई आए कस्टमर वगैरह तो हमें पता चल जाए। और ये हम बाहर निकल गए, बाहर निकलते हैं, यहाँ मैंने फर्नीचर लगवा दिया है कॉस्मेटिक आइटम का। और ये कूलर है, तो फ्रेंड्स इस कूलर को हम रात को यहाँ गेट में लगा देते हैं और वापस सुबह यहाँ रख देते हैं साइड में। अभी इसमें शीशे नहीं लगे, जब तक मैं यहाँ एडजस्ट कर देती हूँ, उसके बाद कहीं और एडजस्ट करना पड़ेगा इसको। तो फ्रेंड्स ये रूम, ये किचन, और ये देखो ये गैलरी है, वो गेट दिख रहा होगा आपको, बैक साइड लैट्रिन बाथरूम है, आपको मैंने दिखाया है वीडियो में पास में जाके। तो पीछे से भी हमारी गली है, और ये देखो ऐसे वापस राउंड दोनों तरफ से हमारी गली है, पीछे बैक साइड की गली, आगे मेन रोड की गली, पीछे मोहल्ले की गली है फ्रेंड्स, और आगे वो भी मेन रोड ही है, और ये भी मेन रोड ही है, घर हमारा मेन रोड पर है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ, ये पूरा हॉल है, मैं थोड़ा बैक जाती हूँ और फिर दिखाती हूँ हॉल कितना बड़ा है। तो फ्रेंड्स ये देखो हॉल इतना बड़ा है हमारा, इस हॉल बहुत बड़ा लग रहा था पहले, पर लाइटिंग गई हुई, तो इस चक्कर में आपको, इस वजह से मैं सॉरी आपको दिखा नहीं पा रही हूँ। ये देखो हॉल बहुत बड़ा है हमारा, और इसमें अभी घिसाई नहीं हुई है इसलिए सीमेंट ऐसे दिख रहा है आपको। बाकी फ्रेंड्स वो रूम मैंने लॉक कर दिया है किचन के पास, ये देखो किचन के पास वाला रूम है, ये किचन, ये इसके पास वाला रूम, वन सेकेंड किचन,
सामना वाला रूम है, गैलरी जा रही है बाहर पीछे लैट्रिन बाथरूम की, और ये हॉल में खड़ी हूँ मैं, वापस रिटर्न ले लेती हूँ मैं। और ये मेन गेट है, आपको पता है ये सीढ़ियाँ ऊपर की तरफ जा रही है, रेलिंग पूरे में लगा रखी है। फ्रेंड्स मेरा ऊपर का देखो ऐसा है कुछ नज़ारा, आपको दिख रहा होगा। तो फ्रेंड्स आपको दिख रहा होगा ये धूप की वजह से आपको इसमें जो शीशे में डिजाइन है वो थोड़ी देर के लिए दिखी होगी आपको, फिर नहीं दिख रही होगी। ये सीढ़ी है, तो फ्रेंड्स मैं ऊपर का सर्दियों में आपको टूर करवाऊंगी, नीचे नीचे का करवा रही हूँ, मतलब जहाँ हम रहते हैं वहाँ करवा रही हूँ। ऊपर एक रूम लैट्रिन बाथरूम और छत और छपरा बना हुआ है, तो मैं आपको कभी और रिटर्न मतलब ऊपर का होम टूर करवाऊंगी। और ये कचरा है कि बाल्टी वगैरह है, कचरा वाला आ नहीं रहा है, 5-6 दिन हो गए। यहाँ ही मेरी मोटर फिटिंग है तो हम पानी चढ़ा लेते इससे। और ये देखो घर के एंट्री का ही गेट है, पार्लर के अंदर भी है और उधर से ये गेट आपको दिख रहा होगा, मेन गेट पर्दों के पीछे बाहर भी है, शटर भी है बाहर, यहाँ से भी जाते हैं। मैं ज़्यादातर घर में ही रहती हूँ तो यहाँ से एंट्री होती है। और ये देखो ये इस बाथरूम में मैंने कपड़े धोने की मशीन रख रखी है, वो लैट्रिन हम यूज़ में नहीं लेते अभी। और फ्रेंड्स मेन डोर है, आपको बाहर फ्रंट का मैंने वीडियो दिखाई दिया है, वहाँ से एंट्री होती है, एंट्री होते पहले पार्लर आता है, फिर 2 सीढ़ियाँ चढ़ के हमारा हॉल आता है। हॉल आने के बाद फ्रेंड्स एक बात और बता देती हूँ मैं, पार्लर में ही मेरी मोटर है ना पानी की, ये वाली जो यहाँ कनेक्शन किया हुआ है, ये पानी का होद है हमारा। और आपको खोल के दिखाती हूँ, ये देखो ये पानी का होद है, यहाँ से ही हमारा कनेक्शन किया हुआ है जो ऊपर टंकी में पानी जाता है और हम यूज़ में लेते हैं। और टूटी का कनेक्शन भी वही है जो बाहर से नल आता है वह। और ये देखो बाथरूम में मैंने मशीन वगैरह रख रखी, आपको दिखाई दिया था। तो ये मेन गेट, मेन गेट से एंट्री लेते ही हमारा आ जाता है पार्लर और आ जाता है लैट्रिन बाथरूम, फिर पार्लर, फिर ये 2 सीढ़ी चढ़ के आती है हमारा हॉल। ये है ऊपर जाने का रास्ता, हॉल में है हमारी कॉस्मेटिक की शॉप। और ये हमारा आ रहा है रूम, फर्स्ट रूम, ये आ रहा है किचन, और ये आ रहा है हमारा सेकंड रूम। ये हॉल है पूरा, आपने देख लिया है, दोबारा नहीं दिखाऊंगी, मतलब एक ही बार को रिपीट करती नहीं हूँ मैं, और आप भी बोर हो जाओगे। और ये यहाँ कपड़े सुखा देते हैं हम, क्यों मशीन में धुले हुए होते हैं तो सूखे हुए रहते हैं तो पानी भी नहीं गिरता। ये एक खोद और है हमारा बैक साइड पानी का, ये पानी का कनेक्शन इसमें जा रहा है। और ये पीछे वाला गेट है, आपको पता ही है ये लैट्रिन बाथरूम है। तो फ्रेंड्स ये मेरा फाइनल लुक है घर का, आपको कैसा लगा कमेंट में बताना। और पर इधर से उधर कूद रही है। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। तो ये ब्लॉग छोटा सा यहीं ख़त्म करते हैं, बाय बाय। अब नमाज पढ़ने का टाइम हो गया जौहर की, फिर खाना वगैरह खाएंगे। तो ये ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं, एक बार फिर से कह रही हूँ ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को, वीडियो पूरी देखना, बेल आइकन दबाना मत भूलना, ताकि नोटिफिकेशन आपके साथ टाइम टाइम पर आपको मिलती रहे। तो बाय बाय, गुड आफ्टरनून, अल्लाह हाफिज़।